हेलो गाइस, गैजेट इन्फोज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एक रिसरक्शन रिमिक्स का नया वर्सन आया है, तो उसका रिव्यू मैं आज आप लोगों को दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडमी नोट 5 प्रो है, 4GB 64GB। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं ये रिसरक्शन रिमिक्स का वर्सन कितना है। तो चलिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RROS वर्सन, यहाँ पे वर्सन 6.1 है और ये 2018 6/12 का अपडेट है और ये ऑफिशियल रोम भी है। तो चलिए ये इसका रिव्यू आप लोगों को दिखा देते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो रोम है ये रिसरक्शन रिमिक्स 6.1 है और ये एंड्रॉयड ओयो इंफॉर्म करके चल रहा है और इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मतलब 5 जून 2018 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको मिल जाएगा। और ये रोम में एक फीचर है एडवांस करके, अंड्रॉयड फोन के नीचे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कैमरा की होती है इनेबल करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको मैनुअली कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और ये रोम का जो खास मतलब एकदम बेस्ट फीचर है वो है बैटरी बैकअप, इसमें बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा, लगभग 9 to 10 hours का स्क्रीन टाइम आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये रोम का एक बग है वो है पावर बटन से फोन ओपन मतलब फोन वेक होने में इसमें थोड़ा सा डिले है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कैसा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑफ किया तो ये 1 to 2 times प्रेस करना होता है उसके बाद ये फोन ऑन होता है, नहीं तो मतलब समटाइम्स डिले होता है, समटाइम्स मिस हो जाता है। तो आपको 1 to 2 times प्रेस करना पड़ेगा उसके बाद डिस्प्ले ऑन होगा। और इसका फिंगरप्रिंट थोड़ा सा स्लो है मीवी से, हाँ, क्योंकि मीवी जितना ऑप्टिमाइज नहीं है ये जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है इसलिए, लेकिन इसका जो फेस आईडी है मतलब फेस अनलॉक है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है और प्रॉपरली काम करता है। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन प्रॉपरली काम करता है, अनलॉक कर देता है। और इसका बैटरी बैकअप तो आप देख ही लीजिए, यहाँ पर मेरा 18% अभी भी है और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम यूजेज आप देख लीजिए 8 hours 57 minutes, स्टिल 18% रिमेनिंग। लास्ट फुल चार्ज आप देख लीजिए 20 hours पीछे है, मतलब 20 घंटा पहले मैंने इसको चार्ज किया था, उसके बाद से अभी ये चल रहा है और 9 hours का ऑलमोस्ट स्क्रीन ऑन टाइम अभी दे दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे मुझे 18% बैटरी बैकअप अभी भी मिल रहा है और मैंने कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड कोर यूज़र नहीं हूँ, हाँ छोटा मोटा गेम खेल लेता हूँ, COC CR और YouTube, बस यही सब चलता है। बट इसका स्क्रीन टाइम बहुत ही अच्छा देता है, ये मीवी से बहुत ही अच्छा है। मीवी में आपको 7 to 8 hours स्क्रीन टाइम आपको मिल जाएगा लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 9 hours हो गया है अभी भी 18%। आप यहाँ पर ग्राफ देख लीजिए बहुत ही अच्छे से जा रहा है। और अगर आपको ये रोम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड करके प्लेस कर सकते हो, कोई भी जो TWRP या फिर FWRP जो रिकवरी है उसे TWRP या फिर रेडूल कोई भी आप चाहते हो तो जिससे भी हो आप इसको प्लेस करके यूज़ कर सकते हो और इसके साथ GX भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रोम है। और गाइस, ये जो रोम है 6.1 RR का और इसमें आप GCAM को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं तो अभी GCAM करता हूँ स्टॉक, मतलब कस्टम रोम के लिए कोई भी स्टॉक कैमरा यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है ये जो स्टॉक कैमरा है PK है। तो GCAM मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और इसमें पोर्ट्रेट भी मस्त आता है और इसका जो मतलब डायनामिक फ्रेम है बहुत ही अच्छा है, उसका लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए भी अच्छा है। तो आप इसको GCAM का भी इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, तो आप GCAM को भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं इसको डेली जो ड्राइवर है उसके लिए यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, मीवी से काफ़ी बेहतर है। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ करिए, मीवी से आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर बैटरी बैकअप सब कुछ ही बेटर मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा ऑप्टिमाइज नहीं है, बस यही है और कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो पावर बटन है उसका ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये रॉम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको यूज़ करिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।